गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, क्लास 8 के स्टूडेंट्स, आप लोग का सेल्फ प्रैक्टिस 5D का क्वेश्चन नंबर 5 बच गया है। मैं उसको कंप्लीट कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट इसके बाद आपका सेल्फ प्रैक्टिस 5E स्टार्ट करूँगा। 5 का आपका हेडिंग बोल रहा है सिंप्लीफाई। देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे आप। एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब, फिर इसमें इसमें करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और 6x² प्लस 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 8 में x से करेंगे 8x, फिर प्लस 2 से ये सम में करेंगे प्लस 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 2x² प्लस माइनस माइनस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12x, इसमें इसमें प्लस करेंगे 16, फिर ये माइनस है तो माइनस, ये 2x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² मिल करके एक्स क्यू हो जाएगा, फिर इसमें इसमें करेंगे तो माइनस 2x² हो जाएगा, इसमें इसमें करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, फिर इसमें इसमें करेंगे तो माइनस 6x² हो जाएगा, फिर माइनस 3 से इसमें करेंगे तो प्लस 3x और माइनस माइनस प्लस 3। इस प्रकार आपका x प्लस 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लिया हूँ और इसके बाद 2x माइनस 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर लिया हूँ। ये जैसा है वैसा सेम लिख देंगे, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 8x प्लस 2x² माइनस 12x प्लस 16। इस माइनस की वजह से सारा साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स क्यू प्लस माइनस माइनस 4x³ माइनस माइनस प्लस 2x² माइनस माइनस प्लस 2x माइनस माइनस प्लस 6x² और माइनस प्लस माइनस 3x और माइनस और प्लस माइनस 3। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो देख रहे हैं कि इसमें भी एक्स क्यू है, इसमें भी एक्स क्यू है, तो माइनस 4x³ में से एक 1x³ घट जाएगा, माइनस 3x³ हो गया। मैं देख रहा हूँ कि इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी है और यहाँ पर भी 2 है, तो ये आपका एक प्लस में है, यहाँ आपका एक, यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, कैंसिल हो गया। और 2x² यहाँ भी प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, प्लस 4x² होगा, ये दोनों का वर्क होगा। तो और 8x और 12x, तो 12 में से 8x घट गया, आपका माइनस 4x हो गया। फिर देख रहा हूँ कि ये 16 यहाँ प्लस में है और यहाँ पर माइनस 3 माइनस में है, तो प्लस 13। और इस प्रकार फिर देख रहे हैं यहाँ पर 2x है और यहाँ पर माइनस 3x, माइनस 3x में से 2x घट गया तो माइनस एक्स हुआ। तो इस प्रकार माइनस 3x³ प्लस 4x² और ये माइनस 4x और माइनस एक्स माइनस 5x और प्लस 13, यह हो गया माइनस 3x³ प्लस 4x² माइनस 5x प्लस 13, यह क्या हो गया आपका सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट सेल्फ प्रैक्टिस 5E स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। सेल्फ प्रैक्टिस 5E का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई। चलिए इससे ध्यान देंगे।
9x^7 बाई 3x^5। ये क्वेश्चन है, तो देखिए 9x^7 बाई 3x^5। ये आपका 3 से 9 चला गया, 3 बार में लिख देंगे 3, और यहाँ देख रहा हूँ कि बेस सेम है, तो पावर को क्या कर दिया जाता है, माइनस करेंगे, यानी एक्स से एन माइनस 5, 3 एक्स से एन में से 5 गया 2, 3x² हो गया। चलिए बी नंबर हम लोग देखें, -20y^12 अपॉन 4y^8, -20y^12 बाई 4y^8, 5, 4 से 20, 5 बार में, ये -5 हो गया। y^12 -8, -5 और y^4। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 5y^4। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का ए -35x^8y^9 बाई -7x³y²। एक बार क्वेश्चन को लिख लेंगे, -35x^8y^9 बाई -7x³y²। ये माइनस माइनस कैंसिल, सेंस ये चला जाएगा 5 बार में, 5 हो गया। ये बेस सेम है, पावर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 9 - 2 = 5। यहाँ एक्स का पावर 8 में से 5 गया आपका 3, 8 में से 3 गया आपका 5, और वाई 9 में से 2 गया 7। 5x^5 और y^7। नेक्स्ट इसी में डी नंबर देखा जाए, 2 का डी, (0.6a^4b^3c^3) by 0.3ab^5 or c^7। तो 0.6a^4b^3c^3 by 0.3ab^5 or c^7। मैं देख रहा हूँ कि इस पॉइंट से ये पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद वन डिजिट है, पॉइंट के बाद वन डिजिट है, तो कैंसिल हो गया, और 3 का टेबल से ये 2 बार में चला गया, तो आपका 2 हो गया। ए और ए बेस सेम है, तो पावर को माइनस कर देंगे, -1। बी यहाँ, यहाँ बी का पावर आपका कितना है, 3, और यहाँ बी का पावर -5 हो जाएगा, सी का पावर 3, -7 हो जाएगा, 2। ए का पावर 3, 4 में से 1 गया 3, और बी -2, और सी का पावर 5 में से 3 गया -2, और 7 में से 3 गया -4। इस प्रकार आपका 2 का डी
एक बार क्वेश्चन को हम लोग मिला लें। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर आप टू कर लीजिए, यहाँ भी टू हो जाएगा और इस प्रकार यहाँ आपका टू हो जाएगा तो यहाँ फाइव हो जाएगा। और टू ए क्यू बाई ये स्क्वायर जो है माइनस में है, आपका नीचे चला जाएगा प्लस के लिए, और यहाँ सी टू द पावर फाइव। इस प्रकार क्या हुआ, ये आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे ही इसमें का वन बाय वन करके क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।